साथियों नमस्कार, ई डेरी के इस चैनल पे आपका स्वागत है। साथियों आज हम जो भारत का डेरी व्यवसाय है उसको समझने की कोशिश करेंगे। डेरी व्यवसाय का भारतीय किसान की जिंदगी में क्या महत्व है, डेरी व्यवसाय से कैसे हम ज्यादा मुनाफा ले सकते हैं, भारत की डेरी फार्मिंग की क्या कमियां हैं, क्या ताकतें हैं, उस पर हम बात करेंगे। साथियों जैसा कि हम जानते हैं भारत एक गांव का देश है। कहने का मतलब भारत में जो पॉपुलेशन रहती है गांव में 65% से ज्यादा लोग गांव में रहते हैं। गांव में रहने वाले लोगों की जो इनकम का साधन है वो खेती के साथ साथ में पशुपालन भी है। अगर हम बात करें एक साल में भारत के अंदर 200 मिलियन मेट्रिक टन से ज्यादा का दूध का उत्पादन भारत में होता है, जो किसी भी देश के द्वारा किया जाने वाला सबसे ज्यादा दूध उत्पादन है पूरे विश्व में। ये दूध का उत्पादन हर साल 6% की क्यूमुलेटिव एनुअल ग्रोथ रेट CAGR के हिसाब से बढ़ रहा है, जो कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। क्योंकि भारत में लोगों की पॉपुलेशन जनसंख्या भी बढ़ रही है, जनसंख्या की बढ़ती हुई आबादी की जो न्यूट्रिशनल डाइट है उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए दूध की जो रफ्तार है वो हमें और बढ़ानी होगी। तो दूध का जो बिजनेस है, डेयरी बिजनेस है, ये आने वाले टाइम में और ग्रो करेगा, अच्छे तरीके से फलेगा फूलेगा। अब जितना हम दूध का उत्पादन कर रहे हैं 6% के हिसाब से ग्रोथ रेट जिसकी है 200 मिलियन मीट्रिक टन जो दूध का उत्पादन एक साल में है, उस दूध की कीमत गेहूं की कीमत से, धान की कीमत से, गन्ने की कीमत से ज्यादा है, अनाज की कीमत से दूध की कीमत पूरे वर्ल्ड में जो पूरे भारत में वो ज्यादा है। प्रति व्यक्ति दूध का जो उत्पादन है वो 407 ग्राम प्रति व्यक्ति दूध की अवेलेबिलिटी है भारत में, और सबसे ज्यादा दूध का जो उत्पादन करते हैं प्रति व्यक्ति, अगर हम बात करें भी एक आदमी के पीछे कितना दूध का उत्पादन हो रहा है, कितनी अवेलेबिलिटी है, सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन होता है पंजाब में, जो करीब करीब 1300 ml प्रति व्यक्ति के हिसाब से है। उसके बाद में आता है नंबर हरियाणा का। अब दोस्तों अगर हम बात करें इतने दूध के उत्पादन के लिए हमने किस प्रकार के पशु रखे हैं, तो जितना दूध का उत्पादन हो रहा है उसका 55% दूध का उत्पादन हमें भैंसों से मिलता है। मतलब 200 मिलियन मेट्रिक टन का 110 मिलियन मेट्रिक टन दूध का उत्पादन अपने देश में भैंस से होता है। बाकी जो 20% दूध का उत्पादन है वो भारतीय नस्ल पशुओं की जो है गायों की नस्ल उसके द्वारा होता है। संकर नस्ल की जो गाय है वो भी 22-23% दूध का उत्पादन करती है, और बाकी का जो बच गया उसमें भेड़ बकरियां या याक जैसे पशु हैं उनका दूध का उत्पादन आता है। अगर हम बात करें पशुओं की संख्या की, तो साथियों पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन पशुओं की जो है उसका 16% पशुधन भारत के अंदर है। ये जो 16% पशुधन भारत के अंदर है ये एक किसान के पास में दो तीन जो पशु रखने वाले किसान है उनकी संख्या सबसे ज्यादा है। तो जो छोटे छोटे डेयरी फार्मर हैं भारत में वो ज्यादा हैं, बड़े डेयरी फार्म से जो भारत के अंदर दूध आता है वो बहुत ही कम है, 5-10% के आसपास में जो ऑर्गेनाइज्ड डेयरी फार्मिंग है वही भारत में दूध पैदा करती है। अब साथियों अपना जो डेयरी फार्म है भारत के अंदर वो बिखरा हुआ है, एक फार्मर के पास में तीन चार पशु हैं, तो ये चीज फायदेमंद भी है और ये चीज नुकसानदायक भी है। फायदेमंद कैसे है, बहुत सारे लोगों की आजीविका का साधन डेयरी फार्मिंग भारत के अंदर है, बहुत सारे लोग पशुपालन से जुड़े हुए हैं, तो बहुत सारे लोगों की जो आय का साधन है वो पशुपालन है। अब इस चीज में कुछ दिक्कतें भी हैं, जैसे बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, छोटे छोटे डेयरी फार्मर हैं, तो इसके कारण एक इसका ड्रॉबैक भी है, लिमिटेशन भी है। छोटे फार्मर होने के कारण भारत में जो तकनीकी आनी चाहिए डेयरी फार्मिंग में वो तकनीक नहीं आ पाती हैं,
उस तकनीक का इस्तेमाल नहीं हो पाता है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं हो पाता है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूं, भारत में एक लेबर मतलब एक व्यक्ति 10 या 15 पशु ही संभाल पाता है। अमेरिका में आप जाके देखेंगे तो एक व्यक्ति 60-70 पशु आराम से संभाल लेता है। कैसे संभाल पाता है? बाहर में आप देखेंगे, बाहर TMR मशीन से पशुओं की जो खुराक है वो बनाई जाती है। ट्रैक्टर और जो TMR मशीन है उससे आप बहुत सारे पशुओं को एक साथ उनकी चराई कर सकते हो। भारत में 4-5 पशु हैं तो बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, तो टेक्नोलॉजी संभव नहीं है। अगर हम इन्वेस्टमेंट भी कर देंगे तो हमें रिटर्न नहीं मिलेगा। मिल्किंग मशीन के लिए बाहर के देशों में रोबोट्स लगे हुए हैं, अपने देश में हाथ से हम मिल्किंग करते हैं। तो टेक्नोलॉजी छोटे डेयरी फार्मर्स इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, अफोर्ड उसको नहीं कर पाते हैं। अगर टेक्नोलॉजी लेके भी वो आ जाते हैं तो उनका जो खर्चा है वो वापस उनको मिलने में लंबे समय का टाइम लगता है। इसके साथ साथ में जो डिजीज कंट्रोल है वो भी चैलेंजिंग हो जाती है, बीमारियां भी कंट्रोल नहीं रहती हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंज है भारत की डेयरी फार्मिंग का। इसके बाद में अगर हम बात करें प्रति व्यक्ति पशु का जो दूध उत्पादन है वो भारत में वर्ल्ड की एवरेज का भी आधा है। वर्ल्ड की एवरेज करीब करीब 1900 लीटर एक पशु से दूध का उत्पादन है 300 दिन के आसपास। मतलब प्रति पशु प्रति ब्यांत 1900 लीटर से ज्यादा दूध की एवरेज है वर्ल्ड की। भारत की आप एवरेज देखेंगे तो वो एवरेज बैठती है 1000 से 1100 लीटर प्रति पशु प्रति ब्यांत में दूध के उत्पादन की। अब उसमें भी जो देसी नस्ल के पशु हैं उनके 2.5-3 लीटर के आसपास में एवरेज है। मतलब एक पशु एक दिन में 2.5-3 लीटर दूध का उत्पादन करता है। भैंस की एवरेज 4-4.5 लीटर के आसपास में है। संकर नस्ल की गाय की जो प्रति पशु प्रतिदिन दूध का उत्पादन है वो 7 लीटर के आसपास में है। तो साथियों, तीनों जो प्रकार के जो पशु हैं उनमें ज्यादा दूध का उत्पादन देने वाली संकर नस्ल की गाय है, उसके बाद में भैंस का नंबर आता है और उसके बाद में इंडिजिनस जो अपनी गाय है उनका नंबर आता है। तो इस हिसाब से पशुओं का जो दूध का उत्पादन है भारत में हो रहा है। अब हम बात कर लेते हैं भारत की डेयरी फार्मिंग के पीछे सबसे बड़ा चैलेंज क्या है। साथियों, जैसे मैंने आपको बताया 16% पशु भारत के अंदर है वर्ल्ड के। जमीन की अगर मैं बात करूं, भारत की जितनी कृषि योग्य भूमि है उसका 8% हमें रिजर्व रखना चाहिए हरे चारे के उत्पादन के लिए, ताकि इन पशुओं को हरे चारे की जो उपलब्धता है वो करवाई जा सके। लेकिन फिलहाल कितना है, 2% के आसपास जितनी कृषि योग्य भूमि है उस पे हम हरा चारा पैदा कर रहे हैं इन पशुओं की खुराक की जरूरतों को पूरा करने के लिए, जो काफी कम है। तो साथियों, जितने पशु अपने देश में हैं उनके लिए जरूरी खाद्यान्न जो पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थ हैं, जैसे कि हरा चारा, तूड़ी, क्रूड प्रोटीन कंसंट्रेट के रूप में, कंसंट्रेट से जो क्रूड प्रोटीन मिलता है उसकी भारी कमी है भारत में, क्योंकि पशुओं की संख्या ज्यादा है और प्रति पशु दूध का उत्पादन कम है। अब हमने ज्यादा पशु रखे हैं तो उनकी खुराक में जो खर्चा हो रहा है वो काफी ज्यादा रहता है। अब एक एग्जाम्पल के तौर पर आप मान के चलिए, भारत में हम 4 या 5 पशुओं से जितना दूध ले रहे हैं, अमेरिका जैसे देश में उतना दूध वो एक पशु से ले पाते हैं। अब कोई भी पशु की खुराक का दो हिस्सा होता है, पहला हिस्सा उस पशु की मेंटेनेंस की खुराक, दूसरा हिस्सा मेंटेनेंस के बाद में दूध की उत्पादन की खुराक। तो जब हमने 5 पशु रखे हैं तो 5 पशुओं की जो उनके शरीर की रख रखाव की खुराक है, मेंटेनेंस खुराक है, वो हमें एक पशु के तुलना में ज्यादा डालनी पड़ेगी, 5 गुना हमें डालना पड़ेगी। मेंटेनेंस की खुराक की आपूर्ति के बाद में पशु जो खुराक खाएगा उससे वो दूध का उत्पादन करेगा। जब हमने 5 पशु रखे हैं तो 5 पशुओं की जो खुराक है उसका खर्चा एक पशु की खुराक से कहीं ज्यादा रहेगा। तो हम ज्यादा पशुओं से ज्यादा दूध का उत्पादन ले रहे हैं तो इसके कारण दूध की जो लागत मूल्य है वो अपने देश में काफी ज्यादा है। तो दूध की लागत मूल्य ज्यादा होने के कारण में हमारे दूध के जो बने हुए उत्पाद हैं वो हम कम रेट पे बाहर नहीं भेज पाएंगे। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जैसे देश जहां पे पास्चर बेस्ड डेयरी फार्मिंग है वहां पे एक पशु से ज्यादा दूध का उत्पादन लिया जा रहा है तो वो सस्ते रेट पे जो स्किम मिल्क पाउडर है वो इंटरनेशनल मार्केट में बेच सकते हैं। लेकिन भारतीय किसान या भारतीय कोऑपरेटिव्स कंपनियां ऐसा नहीं कर पाती हैं, क्योंकि फार्मर्स को
सस्टेन करने के लिए उनको ज्यादा रेट देना पड़ता है, और इंटरनेशनल मार्केट में उस स्किम मिल्क पाउडर का जो रेट है भारत का वो हमेशा ज्यादा रहता है। तो आपने देखा होगा कभी कभार कोऑपरेटिव्स को अपनी जो गवर्नमेंट है वो सब्सिडी भी देती है। तो साथियों ये कुछ चीजें हैं अपने देश में जिनकी डेयरी फार्मिंग की कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां हैं जिन पे हमें गौर करनी चाहिए। भारतीय किसान के हाथ में जो चीज है डेयरी फार्मिंग से अगर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा लेना है तो वो है पशुओं की संख्या को हम कम करें, कम पशुओं से दूध का उत्पादन बढ़ाएं। अमेरिका में एक पशु से एक साल में वहां के वैज्ञानिक डॉक्टर्स 150 लीटर दूध उत्पादन हर साल एक पशु से बढ़ा लेते हैं, अच्छी खुराक के द्वारा, अच्छे मैनेजमेंट के द्वारा, अच्छी ब्रीडिंग के द्वारा। तो भारतीय किसान को अगर डेयरी फार्मिंग में वर्ल्ड का जो डेयरी फार्मिंग का प्रोडक्शन है उसको कंपेयर करना है, कंपीट करना है, तो पशुओं की संख्या हमें कम करनी होगी, प्रति पशु दूध का उत्पादन हमें बढ़ाना होगा। इसके लिए नस्ल, पशु की खुराक और पशु के मैनेजमेंट पे हमें फोकस करना होगा। इसके साथ साथ में भारत का जितना दूध का उत्पादन है साथियों उसका 20-25% ही दूध फॉर्मल सेक्टर में जा पाता है। 20-25% दूध कोऑपरेटिव्स कंपनियां वो बनाती हैं, बाकी का जो दूध है वो फार्मर अपने घर पे इस्तेमाल कर लेता है या फिर जो होटल हैं, ढाबे हैं उन पे वो इस्तेमाल होता है। तो जो मिल्क की प्रोसेसिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में होना चाहिए था वो भी काफी कम है। तो दूध की प्रोसेसिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप अपने डेयरी फार्म पे डेवलप करते हैं तो गवर्नमेंट आपको अच्छी खासी सब्सिडीज देती है। गवर्नमेंट का भी फोकस है कि जो दूध हमारे पास में है उसको हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाएं और प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करें, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट का फोकस है। भारतीय किसान को अगर डेयरी फार्मिंग में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा लेना है तो उनको अच्छी नस्ल के पशुओं को अच्छे संतुलित आहार देके अच्छा मैनेजमेंट करके उनका दूध का उत्पादन बढ़ाना होगा। इसके लिए आपको पशु की नस्ल, पशु की खुराक और पशु के मैनेजमेंट पे वैज्ञानिक तरीके से आपको काम करना होगा। ये जो आज हमने बात करी है कहां कहां पे भारत की डेयरी फार्मिंग की समस्याएं हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, कैसे हम इनको दूर कर सकते हैं, इनमें से कुछ चीजें जो किसान के हाथ में है, पशुपालक के हाथ में है, उनको कैसे तरीके से दुरुस्त किया जाता है, तो ऐसी सारी जो साइंटिफिक जानकारियां हैं उनको आप सुनने के लिए, उन जानकारियों को जानने के लिए आप जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, और जो ये वीडियोस हैं इनको भी आप अपने जो दोस्त हैं और दूसरे जो पशुपालक किसान भाई हैं उन पे आप उनको आप शेयर कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी जिसमें हमने बात करी है भारतीय डेयरी फार्मिंग का क्या परिपेक्ष है, कैसे हम सुधार कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे हमें सुधार करने की जरूरत है। तो किसान भाइयों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले टॉपिक में हम पशुपालन से संबंधित जो और जानकारियां हैं उन पे हम बात करेंगे।